लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई है। जहां मेरा खून बहना चाहिए था वहां आपका खून बहा है। इसके बदले में आप मेरा नाम और पता जानना चाहेंगे? जी नहीं, नाम जानना इतना जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये आपकी जान के पीछे क्यों पड़े थे। दरअसल बात यह है कि भगवान ने मुझे लड़की बनाया है, लेकिन शौक सब लड़कों के दिए हैं। खतरों से खेलना सिर्फ मेरा शौक ही नहीं, पेशा भी है। बस यूं समझिए, जान हथेली पर लिए घूमती रहती हूँ। जी मैं समझा नहीं। टोरंटो के अंडरवर्ल्ड में रेनू को सब जानते हैं। अगर किसी मुजरिम के जन्म कुंडली जाननी हो तो रेनू को मुनासिब फीस देकर सब पता लगाया जा सकता है। इन मुजरिमों के खिलाफ मैंने इन्फॉर्मेशन बेची थी। बड़ी अजीबोगरीब चीज है आप, और उससे भी ज्यादा अजीब आपका पेशा है। ये तो पहली मुलाकात है, दो चार मुलाकातें और होंगी तो रेनू की पर्सनालिटी की और तहें खुलेंगी आप पर। जी ये रहा मेरा कार्ड, आप अगर कभी टोरंटो आए तो आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। बाय। ये तो सोचा था कि तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये नहीं सोचा था। रेनू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, एक लड़की को तलाश करना है। ओह माय गॉड, और मैं ये समझ बैठी थी कि तुम इस लड़की की तलाश में यहाँ आए हो। खैर बताओ कौन लड़की है वो? ये है लड़के, नाम है पिंकी, यहाँ के करोड़पति सेठ अरुण खन्ना की इकलौती बेटी, इसे किडनैप कर लिया गया है। देखिए लड़की कहाँ है, इसे किसने किडनैप किया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ ये कुछ का क्या मतलब है? देखिए अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मेरा बिजनेस है इन्फॉर्मेशन बेचना और खरीदना।
हाँ, आपने मुझ पर एहसान किया है, मेरी जान बचाई है, इसलिए आपके लिए कुछ कंसेशन जरूर होगा। जी हाँ, मेरा कंसेशन रेट है $10,000। मुझे मंजूर है। देखिए, ये सारी रकम एडवांस में होगी, हमारे बिजनेस में उधार नहीं चलता। थैंक यू। देखिए, आप कल रात को 9 बजे कैसीनो रॉयल में आ जाइए, वहां पर आपको किडनैप करने वाले के दर्शन करवा दिए जाएंगे। मुझे रेणु कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? जाना कहाँ है? जहां मर्जी हो ले चलिए। अगर प्ले देखना है तो थिएटर चलते हैं, अगर स्ट्रिप्टीज देखना है तो मैं एक दो अच्छी जगह जानती हूँ, और अगर भूख लगी है तो। जाना कहाँ है? मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, और भगवान झूठ ना बुलवाए, लाखों में एक हूं। मेरी तरफ देखकर आपके दिल में ऐसा नहीं होता? मुझे औरतों से नफरत है। क्या? तो मुझे लिफ्ट क्यों दी? मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? मैंने तुम्हें एक शरीफ लड़की समझा था। मैंने भी तुम्हें एक शरीफ आदमी समझा था। तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, गलती मुझसे हुई। क्या? ओहो हो, मिस्टर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जेब में जो कुछ है निकाल के दे दो, वरना वरना शोर मचाऊंगी, लोगों को इकट्ठा करूंगी और कहूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। हेल्प! खुद उतरोगी या मैं उतारूं? उतरूंगी नहीं, पुलिस को बुलाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ोगी तो अपना ही नुकसान करोगी, वरना शोर मचाऊंगी, लोगों को इकट्ठा करूंगी, कहूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। हेल्प! अब पुलिस को तुम बुलाओगी या मैं बुलाऊं? ऐसा करते हैं, पुलिस को बुलाने वाली बात भूल जाते हैं। वैसे आप तो मेरे गुरु निकले, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। गेट आउट। गेट आउट? यस ऑफ कोर्स, गेट आउट, गेट आउट रेणु, गेट आउट। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, रियली सर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय सर, बाय बाय, बाय बाय। भागता कौन है? मैंने कोई जुर्म किया है जो भागूंगी? आ? मैं तो जॉगिंग कर रही हूँ। गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ मैं तुम्हारी ठीक कह देता हूँ। शर्म नहीं आई तुम्हें धोखा देते? देखो, अपने धंधे में शर्म वरम कुछ नहीं होती, अगर शर्म करती तो उसे $10,000 कैसे मिलते? अब तो सारे डॉलर खर्च कर चुकी हो ना, अपने घर चलो, तुम्हारा भाई मर रहा है। दिलदार सिंह को भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है, इससे तो अच्छा था कि वो होता ही नहीं। बहुत ही बेशर्म हो, मुझ जैसे गैर को लूटा से लूटा, कम से कम अपने भाई पर तो रहम करो। तुम जैसे गैर उस भाई से अच्छे हैं, अगर उसका बस चले तो मुझे शराब की एक बोतल के लिए नीलाम करते। तुम क्या समझते हो, तुम जैसे शरीफ लोगों को लूटना मुझे अच्छा लगता है? ये सब मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, वो करवाता है मुझसे। दिलदार सिंह ने मुझे मुजरिम बनाया,
मैं जितना पैसा कमा कर लाती हूँ वो शराब और जुए पर उड़ा देता है। शादी करना, तुम्हारे जैसे प्यार करने वाले पति को पाना मेरे लिए एक सपना बनकर रह गया है। दिलदार सिंह मुझे कभी शादी नहीं करने देगा, कभी शादी नहीं करने देगा। मुसीबत। ए, ए, सुनो, ए, ए, सुनो, ए, देखो तुम सड़क पर मत रहो प्लीज। हाँ घर चल करो ना, वहां रोने वहां दिलदार भी होगा। हाँ उसके सामने रोना उसको अच्छा लगेगा। हाँ? कौन आया है? रेणु तुम हो? जी प्राजी। अंदर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी आती हूँ प्राजी, आप यहीं पर ठहरिए, मैं जरा उन्हें बहलाती हूँ। टिकटी जी प्लीज। अब आई हो, नोट तुम्हें किलो की तरह चुभते हैं। कुछ बचाया सब कुछ लुटाई। चुलाई थी वो आपने शराब पे लुटा दिया, मेरे पास क्या बचा है? मैं क्या हजारों की शराब पीता हूं? उस बेचारे से $10,000 लिए थे, उसका क्या हुआ? मेरे पास एक एक सेंट का हिसाब है प्राजी, मकान की इंस्टॉलमेंट, टैक्सेस। मैंने अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं किया प्राजी, मैं सच कहती हूं मैंने अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं किया। हाँ तो पिछली रात कहां गुजारी तूने? मैं आपकी रातों का हिसाब थोड़े ही मांगती हूं जो आप मेरी रातों का हिसाब मांग रहे हैं। हरामजादे! इंजेक्शन इंजेक्शन, मर रहा हूं, जल्दी से इंजेक्शन। भाई साहब आप लीजिए, मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ। मर रहा हूं, जल्दी से इंजेक्शन लाओ। मैं भी लाती हूँ, आप लीजिए प्लीज। मैं भी आती हूँ, बाजू की डिस्पेंसरी से इंजेक्शन लेकर। प्लीज पानी पानी, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। हाय हाय पानी, मैं मर रहा हूं पानी। दिलदार जी मैं पानी पानी लेके। तुम कब आए? जी मैं अभी आया। रेणु रेणु इंजेक्शन लेने गई है। जी गई है। लेकिन मैनु पता है शाम तक वापस नहीं आएगी। नहीं, वो वो मैनु मार डालेगी, वो मैनु मार डालेगी। सुनिए तुम मैनु चंगे आदमी लगते हो। जी थैंक यू। मैनु वादा करो अगर मैनु कुछ हो गया तो तुसी तुसी उससे शादी कर लेवांगे। आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाली। वो बिगड़ी हुई जरूर है लेकिन दिल दी बुरी औरत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? दिलदार जी आप आराम से लेटिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते।